कहते क्या है हम तुम्हारे, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। ओए रानी, मेरे पास बता। क्यों राधा, श्याम की पहले दिन की कमाई भी गई पानी में। क्यों पहले हफ्ते भी नहीं चली राधे श्याम? सोमवार क्यों रहा राधे श्याम के लिए मनहूस? क्या रोमांटिक फिल्मों का दौर खत्म हो गया है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स की आंधी में प्रभास की राधे श्याम अपना पतवार खो चुकी है। फर्स्ट मंडे टेस्ट में ये फिल्म टिकट खरीदी पर न सिर्फ टूट गई है बल्कि टूट कर बिखर चुकी है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने पहले सोमवार को महज 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। शुक्रवार ओपनिंग डे के मुकाबले फिल्म की कमाई में सोमवार को 70% की गिरावट दर्ज हुई है। फिल्म ने चार दिनों में हिंदी वर्जन से सिर्फ 15.50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। हालांकि देश भर में फिल्म की कुल कमाई चार दिनों में 101 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी इसे फ्लॉप ही कहा जाएगा क्योंकि कमाई का ये गणित कुछ और ही कहता है। राधे श्याम देश भर में 5 भाषाओं में रिलीज हुई है। यही नहीं, इसे 3700 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जबकि इसके उलट कश्मीर फाइल्स शुक्रवार को महज 700 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। रविवार से फिल्म के स्क्रीन्स की संख्या बढ़ाकर 2000 तक हो गई है। ये आंकड़े अभी भी राधे श्याम से कम है। बावजूद इसके द कश्मीर फाइल्स ने 41.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। वहीं 5 भाषाओं में रिलीज के बाद भी प्रभास की फिल्म ने इस मुकाबले कम कमाई की है। राधे श्याम एक रोमांटिक फिल्म है। प्रभास के साथ इसमें पूजा हेगड़े की जोड़ी है। कहानी एक विश्व विख्यात ज्योतिष विक्रमादित्य और उसकी लव लाइफ की है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सिनेमा की दुनिया में बीते एक दशक से रोमांटिक ड्रामा फिल्मों का क्रेज कम हुआ है। शाहरुख खान की फिल्मों का स्ट्रगल इसका सबूत है। राधे श्याम के साथ इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि फिल्म आंध्र प्रदेश में भी बुरी तरह पिट गई है। चार दिनों में आंध्र प्रदेश से सिर्फ 3 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस फिल्म ने हिंदी वर्जन से पहले दिन शुक्रवार को 4.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। शनिवार को भी 4.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई। रविवार को यह बिजनेस 5 करोड़ रुपए का रहा, जबकि सोमवार को कमाई घटकर 1.5 करोड़ रुपए हो गई। देश भर में सभी 5 भाषाओं से कमाई की बात करें तो सोमवार को फिल्म ने करीब 7 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया है। रविवार को फिल्म ने देश भर में 24 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। ऐसे में यहां भी भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि पैन इंडिया रिलीज हुई इस फिल्म ने चार दिनों में देश भर की टिकट खिड़की पर 101.5 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से इसकी कमाई गिर रही है और पहले ही दिन से कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं है, उससे यही आदेश लगाया जा सकता है कि प्रभास की इस फिल्म का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण प्रभास की आगे वाली फिल्म पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो राधे श्याम का उनकी फिल्मों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।